हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। वन मोर कार्ड, वी हैव द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। ठीक है, तो अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देखिए, इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर इंसान अकेले होता है। अगर स्पेशली ये रीडिंग मैं रात को करती हूँ ताकि आपकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की बता पाऊँ। और इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, आपके विचारों में खोई हुई सी एनर्जी रहती है। ये नज़र आ रहा है सबसे पहले कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये शक है, ये डाउट है इस टाइम पीरियड में कि क्या आपकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है। बिकॉज मे बी आप का कुछ ऐसा इनका और आपका चल रहा हो जिसमें आप इनको जेलेसी फील कराने के लिए कुछ दिखा रहे हो, या आप कुछ ऐसा ट्रीट कर रहे हो जो कि आपको ऐसा फील हो कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा या नहीं दे रही, या मेरा पार्टनर मेरे पास वापस नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसी पोस्ट डाल दे रोमांटिक सी या कुछ ऐसा कर दे जिससे कि उसे टेंशन हो जाए। तो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि आप किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो या कैसे सोच सकती हो और क्यों सोच रहे हो। फिर इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप सोच रहे हो तो उसके पीछे भी इन्हीं की गलती है। इन्होंने कई बार आपसे डिस्टेंस बनाया है, इन्होंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है जिसके बाद आप दूर हो गए हो, और ऑब्वियसली इसमें इनकी गलती है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी ही गलती है और अब मुझे ही सॉल्व करना है। तो स्पेशली चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, अगर इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को जेलसी फील कराने के लिए, अगर आप जेलस फील कराने के लिए अगर कुछ भी स्टेप्स ले रहे हो, तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके पर्सन की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसा कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। उनके मन में ये भावनाएँ हैं कि मुझे कौन ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, मेरे साथ कौन ज़्यादा हैप्पी है, मेरे साथ कौन दिल से अटैच्ड है और कौन मेंटली लॉजिकली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो ये सब चीज़ इनके दिल में चल रही है जिसके बाद ये कुछ बड़ा निर्णायक फैसला लेने वाले हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वी हैव द लवर्स एनर्जी, तो आपसे प्यार करते हैं, और अगर आपसे दूरी बनाई हुई है इन्होंने तो ये बहुत जल्दी क्विकली आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। इस टाइम पे विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इनके सबकॉन्शियस में। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर इनको डाउट है, शक है या कुछ भी ऐसा है, तो ये बहुत जल्दी एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं। स्पेशली अगर इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप चाहे कैसे भी हो, कितना भी आप कई बार इनको क्वेश्चन करते हो, रूड बिहेव करते हो, शक करते हो, बट ये आपसे प्यार करते हो और ये आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, ये इनको रियलाइज़ हो गया है। जिसके बाद इन्होंने निर्णय लिया है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो रिलीज़ होगी और यहाँ पर जस्टिस होगा, न्याय होगा। ये इनके सबकॉन्शियस में ये अपने आप को ही रियलाइज़ करवा रहे हैं। लेट्स क्लेरिफाई सम कार्ड्स, क्लेरिफाई करें क्या एक नई शुरुआत आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है इस टाइम पीरियड में, सो वी हैव गॉट द डेविल एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि कहीं आप इनको छोड़ न दें, कहीं आप इनको छोड़कर चले न जाएं, इसलिए वापस आना चाहते हैं। वी हैव द चैरियट एंड यहाँ पर है शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और प्यार जितना करते हैं इन्हें लग रहा है कि अब अगर मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, तो ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से एक्सप्रेस करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो एक ही कार्ड था जो मुझे लग रहा था डाउटफुल कि ये नई शुरुआत आपके साथ होगी, कहीं आपको छोड़कर किसी और के साथ तो नहीं जाने का प्लान कर रहे, तो इसलिए मैंने उसे क्लैरिफाई कर लिया एंड द आंसर इज़ इन योर फेवर। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। ये जो भी रीडिंग्स मैं करती हूँ गाइस डेली बेसिस पे, ये कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है। कुछ लोग इसको अपनी पर्सनल रीडिंग मान के चलते हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, क्योंकि ये आपके नाम से नहीं है। तो कलेक्टिव एनर्जी बेसिस पर ये रीडिंग्स होती हैं। जितने भी टैरो रीडर्स रीडिंग करते हैं वो डेली की जो एनर्जी रीडिंग है वो करते हैं। तो अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग में मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े कि मैं परेशान हो चुका हूँ और कब आएगा, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो अरे आपको कलेक्टिव रीडिंग से कैसे पता चलेगा? कलेक्टिव रीडिंग से एक्यूरेट आपके पार्टनर की डिटेल कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना है, यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग। जो भी आपके फेवरेट टैरो रीडर हैं, गो फॉर पर्सनल रीडिंग अगर आप परेशान हो चुके हैं तो। लेकिन अगर आप डेली अपडेट्स देख रहे हैं कलेक्टिव माइंडसेट से, तो इसको आप कलेक्टिव रीडिंग के माइंडसेट से ही देखा कीजिए, ठीक है। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन, सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस। अगेन नंबर सेवन, ओके। क्यों आया है? चूज वाइजली विद फर्टिलिटी, ओके। देखिए यहाँ पर जो इमीडिएट एक्शन मुझे कलेक्टिव लेवल पे पता चल रहा है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कंफ्यूज्ड रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें कि थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ें, थर्ड पार्टी को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। और इन्होंने इसी वजह से आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, हमेशा आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहे हैं। एंजल्स ने आपको गाइड किया है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कन्फ्यूजन है, उससे आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ से मूव ऑन होने की वाइब्स। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकती है। फिलहाल आपके पर्सन डार्कनेस से लाइट की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को मिल सकती है, और यूनियन की भी वाइब्स है। एक मेजर चेंज आप लोगों के रिश्ते में नज़र आ रहा है कमिंग 7 आवर्स से लेकर 25 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। न्यू बिगनिंग की वाइब्स है, पैशनेट एनर्जी है। पैशनेट एनर्जी को क्लैरिफाई किया है मेमोरीज ऑफ लव। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रहेगी फिलहाल 25 आवर्स तक, और इसी 25 घंटे के अंदर बहुत सारे लकी वंस के लिए उनके पार्टनर स्टैंड भी लेंगे, मतलब अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर भी कुछ डिसीजन इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। तो ये एनर्जी है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। क्राउन चक्रा पे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो फील होगा इस टाइम पीरियड में। आपको सर में बहुत हैवीनेस फील हो सकती है, या बालों में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, या इस समय पे आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये सिचुएशंस आप लोगों के साथ हो सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें, गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। जो भी आपके पास है उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, बट जो है उसको अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो आपका कोई टैलेंट हो, चाहे आपके अंदर की कोई क्वालिटी हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो जैसे ही फुल मून आ रहा है यू कैन जस्ट मैनिफेस्ट, सेट योर इंटेंशन एंड मैनिफेस्ट। ज़रूरी नहीं कि आप फुल मून के डे ही सिर्फ एक दिन मैनिफेस्ट करें, आप उसके पहले और बाद में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन में 5 डेज, 7 डेज, 21 डेज, 11 डेज ऐसे मैनिफेस्ट किया कीजिए। स्पेशली 11 डेज या 21 डेज आर वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर आप किसी रीज़न से आए हैं, फाइंड आउट द रीज़न ताकि आपको क्लैरिटी मिले और लाइफ में आपको पाथ आपका क्लियर हो।
और आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं लाइफ में, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। पेशेंस रखिए, सब्र का फल यहाँ बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी टॉक्सिक कार्मिक बॉन्ड में हैं जहाँ पर आप सिर्फ सफ़र कर रहे हैं, रो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को लूज़ कर रहे हैं आप इन अ नेगेटिव वे, सो जस्ट रिलीज़ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।